एक नए भारत की प्रधानमंत्री जी ने कल्पना करी है, एक ऐसा भारत जो मजबूत हो। और मजबूत भारत तभी बन सकता है जब उसकी न्यूनतम जो यूनिट है वो मजबूत हो, यानी व्यक्ति मजबूत हो। व्यक्ति मजबूत हो, गांव मजबूत हो, शहर मजबूत हो, उसी से देश मजबूत बनेगा। कौन बनाएगा इसे मजबूत? इसको मजबूत बनाने के लिए समाज में ऐसे लोग चाहिए जो अलग हटकर समाज को एक दिशा दे सके। उसके लिए एक संगठित होना बहुत जरूरी है, एक अनुशासन की जरूरत है। और वही अनुशासन लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प दिया कि सब इकट्ठे होकर संकल्प लें कि जातिवाद को दूर करें, संप्रदायवाद को दूर करें, भ्रष्टाचार को दूर करें, स्वच्छता लेकर आए भारत के अंदर। ये सब हम संकल्प लेंगे और हर रोज जब उसको करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, तब हमारा व्यक्तित्व उभरेगा और सुधरेगा और हम एक बेहतरीन व्यक्ति बनेंगे।